सो हेलो गाइज, मैं राजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल अबाउट स्टडी पर। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्न वाले 9.1 के। दोस्तों सवाल नंबर दोस्तों क्या देखेंगे, 3, 4 और 5। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने सवाल नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर दिया था। अगर वो आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, या मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी दोस्तों मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं प्रश्न वाले 9.1 का सवाल नंबर 3। चलिए तो दोस्तों ये आपका सवाल नंबर 3 रहा। देखिए सवाल नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टे लगाना चाहती है, ठीक। अब कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊँचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊँचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका सवाल कह रहा है, तो आपने हिसाब बिल्कुल पढ़ लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। देखिए 2 फिसलन पट्टी ये बात कर रहा है, कितना फिसलन पट्टी बात कर रहा है, 2 फिसलन पट्टी। मैं कहूँ एक ये फिसलन पट्टी हो गया, ठीक है। देखिए इसका जो जो आपका ऊंचाई दिया हुआ है वो दिया है आपका 1.5 मीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ, ठीक है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए यहाँ हिसाब में दिया हुआ है 30 डिग्री का, जो भूमि के साथ आपका कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो आपका कितना हो गया, ये जो आपका है यह 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, जो बच्चा 5 वर्ष से नीचे का है ना उसके लिए ये है। और दूसरा फिर कह रहे हैं जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, जो इससे अधिक है ना उसके कितना उसके लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि एक और फिसलन पट्टी। तो जाहिर सी बात है इससे वो लंबा होगा, तो ये एक और हो गया, ये थोड़ा लंबा है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर दे रखा है, ठीक है। जो इसके साथ जो भूमि के साथ ये कोण बनाता है, ये देखिए आपका 60 डिग्री, तो ये आपका कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, तो 2 फिसलन पट्टी हमारा कह रहा है, तो दोनों फिसलन पट्टी मैंने बना लिया, एक बना लिया जो 5 साल से नीचे का बच्चा है उसके लिए, ये 5 साल से नीचे वालों का है, और ये है आपका 5 साल से अधिक वालों का, ठीक है। तो समझ गया, अब हमारा हिसाब में क्या ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए, यानी कि दोनों स्थिति में दोस्तों आपका क्या कह रहा है, फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है। फिसलन पट्टी यही है ना, ये आपका क्या है, फिसलन पट्टी है, एक मिनट, ये आपका क्या है, ये आपका फिसलन पट्टी, ये वाला बड़ी वाला हो गया और ये जो 5 वर्ष से छोटा है इसका, यानी इसका भी लंबाई पूछ रहा है और इसका भी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम आइए इसको हम अच्छे से ज्ञात करते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। चलिए चलिए, तो 2 फिसलन पट्टी था, सबसे पहले छोटा वाला हम बना लेते हैं, अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले छोटा वाला था ना, तो हम छोटा वाला बना लेते हैं। इसका कितना था, इसका ऊंचाई था आपका 1.5 और ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा था, यही ज्ञात करने बोल रहा है ये वाला। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये छोटा वाला है, चलिए इसको मान लीजिए ए, आप इसको ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज हो गया, और अब दो बनाना है, एक बड़ा वाला, ये बड़ा वाला है, इसका कितना है, ये बड़ा वाला है, ये आपका 3 मीटर वाला है, ये कितना है, 3 मीटर वाला, ये आपका 60 डिग्री है, और इसका भी कह रहा है, इसको आप H मान लीजिए, ठीक है, इसको आप त्रिभुज दर्शा सकते हैं, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए और इसको R मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसका निकालते हैं छोटे वाले का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम दो खंड में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आसान हो। सबसे पहले मैं इसका निकालता हूँ, तो क्या है, त्रिभुज ABC है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, हाँ तक समझ में आया। अब देखो रिलेशन क्या बन रहा है आपका, इससे और इससे, यानी कि ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, यानी कि लंब बटे कर्ण क्या बन रहा है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे साइन, तो साइन थीटा दोस्तों आपका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब हो गया आपका दोस्तों पी और कर्ण आपका हो गया एच, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, साइन हो गया यहाँ, अब थीटा का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए P यानी कि लंब, लंब आपका यही हुआ ना,
ये आपका क्या हुआ लंब, लंब कितना दिया हुआ आपका 1.5 दिया हुआ। अब ये एच क्या है, कर्ण है, तो कर्ण मैंने ये एक्स माना है, यही है ना फिसलन पट्टी का लंबाई, यही हमें निकालना है, इसको एक्स लिख दीजिए। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, अब बराबर 1.5 अब बटे एक्स, अब हमारा मान क्या निकल, अब आपको कोना कोना आप गुना कर दीजिए इसको इसको, तो एक्स गुना 1 एक्स हो गया, और 2 गुना 1.5 करेंगे तो 3 हो गया आपका, यानी कि x बराबर दोस्तों 3 मीटर आपका आंसर हो गया। यानी कि जो 5 वर्ष से, ये क्या था आपका 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चों का जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कितना है 3 मीटर है, तो पहला आंसर हमारा आ चुका है। अब हम इस वाले पार्ट का देखेंगे, इस वाले पार्ट का देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ, तो आप ये समझ पाएँ। देखिए इस वाले का तो काम ही हो गया, इस वाले का तो आप निकल ही गया, अब इस वाले का हमें निकालना, तो इस वाले को मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है। आप शुरू में इसको नोट कर लेना भाई, आप इसको शुरू में नोट कर लेना, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप शुरू में इसको नोट कर लेना। चलो हम तो पहले वाले का निकाल लिया, अब क्या निकालना है, इसका निकालना है, तो इसका इसमें भी क्या, ये त्रिभुज क्या है, पी है, क्यू है, आर, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें भी सेम रिलेशन, ये लंब ये कर्ण, तो क्या होगा साइन का रिलेशन बनेगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बटे एच। अब देखिए साइन थीटा का मान, साइन अब थीटा का मान यहाँ कितना है 60 डिग्री है, तो 60 देंगे, अब बराबर पी कितना है 3, एच ये कितना है आपका एच ही दिया हुआ है। अब देखिए साइन 60 का मान कितना हो गया आपका √3/2, अब बराबर इधर कितना है 3/h, तो आप कोना कोना गुना कीजिए क्या होगा आपका √3h बराबर 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो h बराबर आपका क्या निकल जाएगा 6/√3। आपको पता है कि जो नीचे रूट थ्री होता है कोई भी रूट में होता है उसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, तो यहाँ पर इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ही परिमेयकरण करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 6√3। अब देखिए इसको हम थोड़ा इरेज कर देता हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, आप पहले से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको अब देखिए 6√3 हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 6√3 बटे √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से ये कटा दो, दो बार में कट गया आपका, यानी कि 2√3 आपका मीटर आंसर हो गया। तो समझ गए दोस्तों आपको, यानी कि इससे आपको क्या पता चला। अब देखिए ये चौथा सवाल है, यानी कि दोस्तों आपको आपका जो आंसर आ गया करेक्ट आंसर जो पहले वाले का था उसका आ गया आपका कितना 3 मीटर आ गया जो फिसलन पट्टी की लंबाई थी, और दूसरा जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए था उसका दोस्तों आपका आ गया 2√3 मीटर समथिंग ऐसे आ गया, ठीक है, इतना ही आ गया। तो आए समझ में, चलिए तो आपका ये तीसरा सवाल कंप्लीट होता हुआ, तो 4 नंबर सवाल आपका देख सकते हैं, 4 नंबर सवाल है आपका भूमि के, 4 नंबर सवाल देखिए कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, सबसे पहले भूमि, तो भूमि भाई ये होगा एक भूमि है, जमीन जिसको बोलते हैं, जो मीनार के पाद बिंदु से, अब एक मीनार इस भूमि पर एक मीनार है, मीनार यानी कि जैसे कुतुब मीनार है ना उसी तरह का एक मीनार, यानी खंभा जैसा होता है, ठीक है। अब मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु ये बताया था मैंने, ये आपका नीचे वाला पाद बिंदु होता है और जो ऊपर वाला जो होता है उसे हम शिखर बोलते हैं, इसको आप याद रख लो, ठीक है, ऊपर वाले को शिखर बोलते हैं और नीचे वाले को पाद बिंदु बोलते हैं, तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखिए तो कह रहा है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 30 मीटर है, कितना है ये 30 मीटर है, ठीक है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो मीनार का शिखर यही है ना, बताया ना अभी ये शिखर होता है, इस शिखर का जो उन्नयन कोण है ये कितना है 30 डिग्री है, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये आपका क्या है, यही है ना मीनार, तो इसकी आपको ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि इसको हम एच मान लेते हैं, चलो भाई इसको हम ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, बिल्कुल दोस्तों इजी सवाल है आपका, ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। चलिए मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो देखिए रिलेशन क्या बन रहा है, ये आपका हो गया, देखिए रिलेशन क्या बन रहा है, ये आपका ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या लंब हो गया, यानी कि ए और बी ये आपका लंब हो गया, और देखिए बी से सी ये आपका क्या हो गया, ये आपका आधार हो गया, यानी कि लंब और आधार, यानी कि लंब और आधार किसका सूत्र होता है, टेन का सूत्र होता है, यानी कि टेन से रिलेशन बन रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है,
त्रिभुज एबीसी में क्या टेन का रिलेशन बन रहा है, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर, क्या लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब को शॉर्ट में लिखे हम। अब देखिए थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया आपका 30 डिग्री दिया हुआ, ये देखिए 30 डिग्री दिया हुआ, तो 30 डिग्री आप पुट कर दीजिए। अब बराबर लंब, लंब आपका यही है एच माने हैं तो एच हो गया, आधार आपका 30 दिया हुआ है तो 30 लिख दो। अब देखो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, अब बराबर एच 30 हो गया, ठीक है। अब वही कोना कोना गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 3 एच बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, इतना 30 हो गया। अब देखिए तो h बराबर यहाँ से कितना निकल रहा है आपका 30/√3 निकल रहा है, 30/√3 निकल गया ना। अब देखिए आंसर ये आपका नहीं है, अब जो ये रूट थ्री जो देख रहे हैं आप, ये रूट थ्री जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, आप इसका हर का परिमेयकरण कर दो, ये रूट थ्री का आप हर का परिमेयकरण कर दो। तो मैं चलिए फिगर को इरेज कर देता हूँ, फिगर को आप पहले वीडियो में रोक करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए फिगर, चलिए मैं इधर आपको बना देता हूँ, ठीक है, फिगर मैं आपको इधर बना देता हूँ एक छोटे से, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका एच है, और ये आपका और ये आपका 30 था, इसको मैंने ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी माना था, यही आपका मीनार है, इसका हमें ऊंचाई निकालना है। अब देखिए एच बराबर क्या निकला हमारा, 30/√3 निकला है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे निकला है। अब इस हर का आप परिमेयकरण कर दो, ठीक है, तो हर का परिमेयकरण कैसे होगा, तो रूट थ्री को ऊपर से गुना कर दो ऊपर नीचे, तो कितना हो गया 30√3 तीन होगा, तीन से कटा दो 10 बार में कट गया, यानी कि आपका 10√3 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया दोस्तों आपका 10√3 मीटर हो गया। तो ये आपका 4 नंबर सवाल क्लियर हो गया, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर सवाल की ओर। चार नंबर आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम देखेंगे पाँच नंबर भी दोस्तों सिर्फ ऐसे ही बनेगा, बस यही वाला कंसेप्ट लगने वाला है, आप ध्यान से देखिएगा 5 नंबर को। चलिए 5 नंबर देखिए, आपका 5 नंबर सवाल जो कह रहा है, 5 नंबर सवाल कह रहा है आपका कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। सबसे पहले भूमि बोला था, हम भूमि बना लेते हैं, ठीक है, भूमि बना लेते हैं, ये भूमि जमीन होगी आपका, एक जमीन हो गया आपका, ठीक है, प्लेन प्लेन वाला ज़मीन हो गया। फिर कह रहा है एक पतंग उड़े, भूमि से एक ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। अब देखो इसके ऊंचाई पर जो होगा यही ना पतंग उड़ेगा, यही पतंग उड़ेगा, सॉरी ये पतंग नहीं उड़ेगा, एक गलती कर दिया मैंने। देखो ये भूमि आपका है, ये आपका भूमि है। अब कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब देखो भूमि से जो है ना 60 मीटर की ऊंचाई पर, अब भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कितना 60 मीटर ऊंचा यानी ऊपर एक पतंग उड़ रही है, ठीक, पतंग उड़ रही है। अब देखो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अब देखो यहाँ पर पतंग उड़ रही है हमारा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा पतंग उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा पतंग उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर पतंग उड़ रहा है। अब कह रहा है कि एक बिंदु से बांध दिया गया, ये जो है ना आपका भूमि के जो पतंग में लगी डोरी है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु यह होगा आपका, तो यहाँ से यहाँ क्या कर दिया, बांध दिया, किससे बांधा है, धागा से बांधा है, रस्सी से, डोरी से बांधा है। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक बांधा, तो इसका जो झुकाव हो गया, डोरी का जो रस्सी का झुकाव जो हो गया वो आपका दोस्तों हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री दिया हुआ आपका, यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ आपका, कितना दिया हुआ 60 डिग्री आपका, 60 डिग्री दिया हुआ आपका, ठीक है। तो जो तो यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी है ना, ये डोरी पूरा एकदम टाइट है, कह रहा है कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो डोरी तो यही ना है, तो डोरी जो आपका दोस्तों है, डोरी तो यही है ना आपका, यहाँ से यहाँ तक डोरी है, तो इसी के दोस्तों आपका लंबाई पूछ रहा है। तो चलो हम इसको एच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अब एच मान लिया, अब चलो एक बार हम आपको फ्रेश फिगर दिखा देते हैं बना के। चलो तो आप फिगर एक बार समझ गए, अब हम फ्रेश फिगर एक बार बना लेते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फ्रेश फिगर हम बना लेते हैं, आप कॉपी में भी अपने फ्रेश फिगर बना लो। इसको भाई हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये आपका 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, यह आपका 60 मीटर दिया हुआ है, और यह आपका पतंग का डोरी है, ये निकालने बोल रहा है लंबाई कितना है, तो हम इसको
एच मान लेते हैं, ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हमें यही निकालना है, तो वही वाला फंडा आप देखो कनेक्शन क्या मिल रहा है, देखो इससे और इससे कनेक्शन मिल रहा है, किससे मिल रहा है, इससे देखिए, यानी कि ए बी और ए सी, यानी कि लंब और कर्ण, लंब और कर्ण से कनेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो लंब और कर्ण से कनेक्शन वाला हमारा कौन सा सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, जो हमारा कंसेप्ट कहता है त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, ये लिखना आपको जरूरी है। ये लिख दिया, अब क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है आपका, साइन थीटा का सूत्र होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण मैंने दे दिया, चलिए लंब बटे कर्ण दे दिया। अब देखिए थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, 60 है, तो 60 पुट कर दीजिए आप, तो साइन 60 हो गया यहाँ पे। और आपका लंब, लंब कितना दिया हुआ, लंब यही है, तो लंब कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ, तो 60 बटे कर्ण, कर्ण तो यही हो गया। तो कर्ण को हम क्या माने, एच माने, कर्ण ही हमारा डोरी है जो पतंग का रस्सी है, 60 बटे एच हो गया। अब देखो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 बटे 2 होता है, ठीक है, रूट 3 बटे 2। अब देखिए इधर क्या है, 60 बटे एच है, तो वही कोना कोने गुना कर दो इसको इससे, इसको इससे, तो रूट 3 एच हो जाएगा इधर, इधर कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए एच का मान जो हमारा निकल रहा है यहाँ से, एच का जो मान कितना निकल जाएगा, जो एच है इधर, अगर रूट 3 को उधर इधर फेंकते हैं तो क्या भाग में आ जाएगा, तो 120 बटे रूट 3 हो जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखो हम क्या करेंगे, अब वही नीचे रूट 3 है, तो हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ अगर नीचे रूट रहता है उसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। तो रूट 3 का परिमेयकरण कर दो, अब कितना होगा, 120 बटे रूट 3 अगुने रूट 3 बटे रूट 3, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 120 गुना रूट 3, मैं ज़रा ऊपर लिख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 120 रूट 3 अब बटे इस रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे तो कितना, 3 होगा, तो 3, तो 3 से इसको काट दो, कितना बार में कट गया, 40 बार में, तो कितना आपका आंसर हो गया, 40 रूट 3 मीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये जो आपका निकल गया, फाइनली ये जो आपका निकल गया, ये डोरी का रस्सी कितना निकल गया आपका, ये आपका निकल गया 40 रूट 3 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों 4 और 5 नंबर सवाल दोस्तों मैंने आपका आज कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल हमारे, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है।